पिछले हफ्ते आपने रंजू की बेटियां में देखा कि विशेष शालू को कॉल करता है और शालू उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहती है। ललिता अपने नाम के नीचे रंजू सिलाई सेंटर का बोर्ड देखकर दंग रह जाती है। रंजू सिलाई सेंटर की बिजली कट हो जाती है। शालू विशेष की मदद से बिजली विभाग जाकर बात करती है। लाल मामा शालू से कहता है कि वो किसी और लड़की से शादी करने के लिए विशेष को मनाए। इधर मुस्कान गुड्डू जी के रूम का एसी ठीक करती है, लेकिन लकी विकी के अचानक आ जाने पर वो पर्दे के पीछे छिप जाती है। ललिता मौके का फायदा उठाकर मुस्कान पर चोरी का इल्जाम लगाती है और उसे थप्पड़ मारती है। रंजू जवाब में ललिता को थप्पड़ मारती है। ललिता गुस्से में घर छोड़कर जा रही है, लेकिन गुड्डू जी उसे रोक लेते हैं। ललिता गुड्डू जी से वादा लेती है कि वो रंजू को तलाक देंगे। विशेष शालू को उसकी स्कूटी वापस देता है। ललिता रंजू को गुड्डू जी के दस्तखत किए हुए तलाक के कागज देती है, लेकिन दादी रंजू को तलाक देने से रोक देती है। अब देखिए आगे। हे भगवान, आज गुडुआ हमारी बहुरिया को तलाक देना चाहता है, हम क्या करें? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारी मदद करो। राधिका, अम्मा क्या बात है, तो ठीक तो है ना? वाह बेटा, सब कुछ करके पूछ रहे हो कि क्या किए हैं? अरे हम तो सोचे भी नहीं थे कि इस दिन देखना पड़ेगा। अम्मा ऐसा क्या किया हूँ? बुटुआ, शादी का रिश्ता इस दुनिया से नहीं, उस दुनिया से जुड़ता है, और जो रिश्ता तोड़ता है भगवान को धोखा देना होता है। तो आपका मतलब तलाक से है? हाँ। अरे आज तक जो तूने किया वो का कम था, जो आज ये पाप करने का मन बना रहा है? ये बहुतिया के ऊपर छोड़ी हुई औरत का कलंक कम था, जो अब की तलाक ली हुई का कलंक लगा रहे हो? अरे कम से कम अपनी बेटियों के बारे में तो सोच। अरे वो जैसी भी है तेरा खून है। अम्मा हमने कभी भी अपने बेटियों को अपना मानने से इनकार नहीं किया है। जब रंजू से हमारा कोनो रिश्ता नहीं है तो नाम का रिश्ता रखने से क्या फायदा? तलाक के कागज पर दस्तखत होने के बाद ये परेशानी हमारी जिंदगी से दूर हो जाएगी। और फिर रंजू भी आजाद हो जाएगी। तलाक औरत के लिए आ जाती नहीं, कैद होती है बेटा, और ऐसी कैद जिससे वो जिंदा कभी बाहर नहीं निकल पाती। अम्मा आप समझने की कोशिश काहे नहीं कर रही हैं? हम इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहते, जो रिश्ता हमने कभी चुना ही नहीं। अच्छा तो कब पैदा होने से पहले तूने अपनी माँ को चुना था? अम्मा कैसे? रिश्ता बनाने से बनता है, चुनने से नहीं। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? हमने वही किया जो हमें ठीक लगा। अम्मा हम ललिता जी के साथ ऐसे अन्याय नहीं कर सकते। अरे बेटा तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। अरे तुम्हारी वजह से हम आज रंजू को बहुरिया कहते हैं। अगर तुम रिश्ता तोड़ दोगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? अरे कुछ मत कहिए माँ, आपकी बहुरिया ललिता है। कुटवा, तुम्हारे ऊपर चालाक औरत और उसके पगलेट अम्मा का जादू सर पे चढ़कर बोल रहा है, इसलिए सही गलत तुझे समझ नहीं आ रहा है। अम्मा हमें तो बस इतना समझ में आ रहा है, ये दो नाव में सवारी करना किसी का भला नहीं हो सकता। हम अपनी जिंदगी ललिता जी के साथ गुजारना चाहते हैं, इसलिए हमें रंजू को तलाक देना होगा। और ये हमारा आखिरी फैसला है। अम्मा जी,
आपकी दवा का समय हो गया है। रुको, एक बात इस बुढ़िया की भी सुन ले बेटा। तुम्हारी हर बात सही है, लेकिन हमारी बहुरिया का नाम ललिता मिश्रा नहीं है, रंजू मिश्रा है। और नाम कभी नहीं बदलेगा। मिश्रा, हमारी माँ पे हाथ उठाने की गलती मत करना, नहीं तो माँ की कसम खा के कह रहे हैं ये हाथ उखाड़ देंगे। बुढ़वा, हम ई घर छोड़ के ना ही जाएंगे और ना ही हम बहुरिया को जाने देंगे। हम इसी घर में रहेंगे। तुम हमको वचन दो, तुम आज के बाद दोबारा ई घर छोड़ने की बात नहीं करोगी। चलो खाओ कसम बहुरिया। आप रहिए यहाँ पे अपनी रंजू के साथ। अम्मा जी पी लीजिए। नहीं बहुरिया, अम्मा जी हम जितने दिन यहाँ पे रुकेंगे उतनी ही बातें बिगड़ती जाएंगी। अम्मा जी दुनिया बहुत बड़ी है और हमारी जरूरतें तो छोटी सी ना, दो रोटी कमानी है, हम कैसे भी करके कमा लेंगे। लेकिन यहाँ से चले जाएंगे अम्मा जी, आप बस अपनी कसम वापस ले लीजिए। आप काहे नहीं समझती है, ये जो रिश्तों की दुनिया है ना, ये जरूरत पर चलती है, जबरदस्ती ना ही। अगर मिश्रा जी को हमारी जरूरत ना ही है और ललिता जी की जरूरत है तो काहे हम चले जाते हैं यहाँ से। बस कसम ले लीजिए वापस। नहीं बहुरिया, हम जीते जी हम ये नहीं होने देंगे। अरे बड़ी मुश्किल से तो अम्मा जी बेटी, अम्मा जी आप बेमतलब की बातों का तनाव लेकर बैठ जाती हैं। आपको पहले से ही बीपी की प्रॉब्लम है। तुम लोग अम्मा जी का ध्यान रखो, हम इनके लिए नींबू पानी लेकर आते हैं। तुम हमें वचन दो कि हमारे बाद भी तुम बहू और बच्चों के साथ ही रहोगे, गुड्डू की तरह चौखट लांग कर नहीं जाओगे। हम आपको दिया वादा निभा रहे हैं, लेकिन आप हमें छोड़कर काहे चले गए गुड़वा के बाबू जी? हमें आपकी बहुत जरूरत है। फोन क्यों नहीं लग रहा है?
मामा बार बार किसको कॉल कर रही है? तुम्हारे डैड को। कब से फोन स्विच ऑफ आ रहा है? मॉम डैड शायद के बिजी होंगे, उनके साथ फिर कभी पार्टी कर लेंगे। यू आर राइट। वैसे मेरी ड्राइवर से बात हो गई है, उसने कहा कि डैड घर पे पहुंच गए। एनीवेज लेट्स पार्टी गाइस। अम्मा हमारी बात ही नहीं समझती है, ये सब उस रंजू का कारण है। रंजू हमारी अम्मा की नजरों में हमको शैतान बनाकर खुद देवी बन गई हो। हमारी अम्मा को तो हमसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र रहती है, और तुम्हारी बेटियां भी हमसे मदद करती है। अरे काहे के ऐसे तुम? अरे माना कि हम बुरे इंसान हैं, बहुत बुरे इंसान। कहा कहती हो तुम? हम तुम्हें छोड़कर भाग गए थे ना, तुमने क्या अच्छा किया? तुम्हारी बुलबुलिया हमारा हाथ रोकने की हिम्मत करती है, ये संस्कार सिखायो। हम शैतान और तुम देवी। रखो मिश्रा जी, अभी आप फोर्स बनाइए, इस बारे में हम आपसे सुबह बात करेंगे। यही खड़ी रहो। इनसे अभी बात करना चाहते हैं, यहां से नहीं जा सकती। खड़ी रह के हमारी बात सुनो। तो हम बुरे हैं ना? ठीक है, आज के बाद तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को हमारे साथ रहने की दोनों जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंक देंगे। नाम से हमारा नाम नोच देंगे। अम्मा तुम्हारी बात बहुत समझती है ना? जाओ जाकर समझाओ अपनी अम्मा को कि हम तुम्हें तलाक देंगे। सुना तुमने? सुना भी और समझा भी। और सच बात तो ये है कि हम खुद ही इस घर में नहीं रहना चाहते हैं। परसों पहले अम्मा जी ने आपके बाबूजी को कसम दी थी
कि वो हमारा साथ छोड़ेंगे नहीं। उस खातिर अम्मा जी भी आज तक हमारा साथ निभा रही है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी बात का मान रखे। बस इसीलिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं। अरे मैं तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे फर्ज से कोनो लेना देना नहीं। ये मान बनने का नाटक अम्मा जी के सामने करो, अरे हमारे सामने कुछ नहीं चलेगा। समझे तुम? हम कोई नाटक नहीं कर रहे, हम केवल इतना बता रहे हैं कि हमारे रास्ते पहले भी अलग थे और अब भी अलग है। हम आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं बनना चाहते। अरे सही कहा तुमने, ये जिंदगी अलग है लेकिन हम जानते हैं एक औरत को इस दुनिया में मर्द के बिना जीना कितना मुश्किल है, इसलिए हम तुम्हारा खर्चा पानी का व्यवस्था कर देंगे। हमने खर्चे पानी का बंदोबस्त? हमें आपके सहारे की जरूरत नहीं है। आज तक हम अपना गुजारा खुद ही करते आए हैं, आगे भी कर देंगे। और रही बात खर्चे पाने की, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि जो एक घर में खर्चा पानी हो रहा ना हमारा, तो अपना राशन हम अपने पैसों से लेके आते हैं, और आप कहें तो एक घर में रहने का भी हम आपको खर्चा दे देंगे। मिश्रा जी, 14 साल पहले आपने जिस रंजू को छोड़ा था ना, उसके मुंह में जुबान नहीं थी, वो काबिल नहीं थी, वो तो आपका फैसला भी नहीं बदल सकती थी। आज इस रंजू ने ही अपनी बेटियों को इतना काबिल बना दिया है कि वो जिंदगी के बड़े बड़े फैसले खुद ले सकती हैं। चुप! तुम और तुम्हारी बेटियां, मैं तुमसे बात करना ही फजूल है, चली जाओ यहां से। अरे बेटी की दवाई कहाँ है भाई? ललिता जी से पूछते हैं। अरे फोन काहे नहीं उठा रहे हैं? रंजू हमारी जिंदगी से चली जाएगी, सब ठीक हो जाए। ललिता जी को अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकते भाई, दूर नहीं कर सकते। अरे हमारी बीपी की दवाई कहाँ है भाई? हमारी बीपी की दवाई कहाँ है? अरे ललिता जी, चेयर्स चेयर्स टू अ सक्सेस, फाइनली वी डिड इट। ए लक्की, हमारी दवाई कहाँ चली गई भाई? हैं? ये तो थी। आ, 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 आ,
थे। अरे कुटवा, कहीं हो? अरे भैरिया देख कहाँ रही है? जल्दी आ, बुलबुलिया, आ जल्दी। सालू डॉक्टर को फोन करो ना। ललिता जी से पूछते हैं, उनको बताओ। मॉम, अच्छा हुआ कि डैड नहीं है, ये तो मैं तो खुल के पार्टी नहीं कर पा। चुप रहे बदमाश, मैं मिस कर रही हूँ उनको। अरे फोन काहे नहीं उठा रहे हैं? मुझे हम क्यों लेकर आया? हम तो सोचे थे कि तुम हमारे बेटे को प्रेम करती हो, उसका ध्यान रखती हो। अरे मांग में सिर्फ सिंदूर भर लेने से कोई पत्नी नहीं हो जाता, और पत्नी का भी कोई धर्म होता है, और ये धर्म हमारी बहुरिया ने निभाया है। और का है कि इसका सिंदूर तुम्हारी तरह दिखावे का नहीं है। अम्मा जी, अब क्या कर रही है? मुझे हम क्यों लेकर आया? हम तो सोचे थे कि तुम हमारे बेटे को प्रेम करती हो, उसका ध्यान रखती हो। अरे मांग में सिर्फ सिंदूर भर लेने से कोई पत्नी नहीं हो जाता, और पत्नी का भी कोई धर्म होता है, और ये धर्म हमारी बहुरिया ने निभाया है। और का है कि इसका सिंदूर तुम्हारी तरह दिखावे का नहीं है। अम्मा जी,